नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेव्स एजुकेशन। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग विद ASP.NET की। अब प्रोग्रामिंग विद ASP.NET में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे IMP क्वेश्चन, मतलब मैं आपको बताऊंगा और हल कैसे करेंगे वो भी, ठीक है। तो IMP क्वेश्चन ये किस किस चीज़ के देखने को मिलेंगे, कौन कौन से कोर्स में, ये आपको मिलेंगे PGDCA सेकंड के अंतर्गत। यदि आपका BCA में ये सब्जेक्ट है तो वहाँ भी आपको काम आने वाला है, और MSc में ये सब्जेक्ट है MSc CS में, वहाँ भी आपको काम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये प्रोग्रामिंग विद ASP.NET है आपको 2023 जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, इसके लिए आपको एक वीडियो देख लेना है और एक PDF को पढ़ लेना है, ठीक है। तो वीडियो कहाँ मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। तो आपको जाना कहाँ पर, देखिए सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन के अंतर्गत आपको प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाना है, और प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको जाना है PGDCA और DCA सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा, देखिए यहीं पर IT ट्रेंड है, सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे सेकेंड सेमेस्टर करके, वहीं पे मिलेगा ASP.NET का वीडियो, ठीक है। लगभग 3.5 घंटे के आसपास इसको आपको देख लेना है, और इसकी PDF मैं यहाँ शेयर कर दूंगा SSW एजुकेशन PDF के अंतर्गत, इसको आपको जो है पढ़ लेना है। ये सारी चीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, एक चैनल और है जिसको मैंने बनाया हूँ कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए, जिसका नाम है अरविंद टिप्स। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपलोड करता हूँ, ठीक है, जब भी समय मिलता है। तो इसमें देखने को मिलेगा हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर MCU University, ये देखिए, इस वीडियो को भी देख सकते हैं इस चैनल के अंतर्गत, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में। तो पहली यूनिट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या देखने मिलेंगे, देखिए आपको पहली यूनिट में देखने को मिलेगा HTML कंप्लीट। तो HTML आपने इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग के अंतर्गत पढ़ा होगा, ठीक है, तो वही HTML यहाँ पे भी काम आ जाएगा आपका। तो HTML के सारे टैग आपको कवर कर लेना है अच्छे से, तो उससे क्या हो जाएगा, आपके किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है HTML के, HTML क्या है, HTML में अलग अलग प्रकार से टेबल है, फॉर्म है, इन सभी चीज़ों को आपको तैयार कर लेना है, एंकर टैग है, IMG टैग है, ये सारी चीज़ आपकी आ जाएगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक HTML कोड लिखिए जो छात्रों के नाम, रोल नंबर, इसके अलावा कुल अंक की एक तालिका, मतलब आपको टेबल बनाना है, टेबल का एक कोड लिखना, कौन कौन सा, नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है और कुल अंक लिखना है। तो इतने की आपको एक जो है प्रदर्शित करना है क्या, टेबल, उन टेबल के लिए आपको एक कोड लिखना है, कोड कौन सा, एक HTML का कोड लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बताना है, अगर आपने वीडियो देखा है कंप्लीट अच्छे से तो आप जो है ये टेबल बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। पूछ लिया HTML क्या है, HTML प्रोग्राम का जो है प्रारूप, यानी कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करना है, ठीक है, जो एक प्रकार से, मतलब एक प्रकार से कंटेनर टैग होता ना, HTML है, हेड है, बॉडी है, ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर है निम्नलिखित HTML टैग को सभी विशेषताओं के साथ समझाइए। तो पहला है एंकर टैग, एंकर टैग का मतलब क्या होता है, एंकर टैग का मतलब होता है लिंक के लिए यूज़ होता है, हाइपर लिंक के लिए। बॉडी जो होता है बेसिक रूप से जितनी भी हमने वेब पेज बनाया है, वेब पेज में जो भी चीज़ लिखी जाती है वो बॉडी के अंतर्गत ही लिखी जाती है, और हर एक टैग जो है एक तो स्टार्टिंग टैग होता है, और उसके बीच में जो भी हम लिख लेते हैं वो हो जाता है इसके बाद एंडिंग टैग, उसी के बाद बॉडी हम लिखते हैं, बॉडी लिखे इस प्रकार, और बॉडी लिखने के बाद जितनी भी चीज़ें होती है उसके बाद हम बॉडी को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, इस प्रकार से हमको देखने को मिलते हैं। IMG जो होता है आपका इमेज लाने के लिए होता है, ठीक है, तो ये भी क्लोजिंग टैग साथ आता है, ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग टैग यहाँ नहीं भी लिखे तो चलता है, क्योंकि क्लोजिंग टैग ये अपने आप में यहीं पे URL लेता है, ठीक है, अंदर ही, तो इसका क्लोजिंग टैग नहीं लिख सकते हम, ठीक है, वहीं पे क्लोजिंग हो जाती है। टेबल का क्लोजिंग टैग होता है जितनी भी चीज़ें हमने लिखे उसके बाद हमको टेबल को बंद करना होता है, क्या करना होता है, बंद। पी मतलब पैराग्राफ, जो भी चीज़ हमने लिखे पैराग्राफ के फॉर्म में आ जाएगी और लास्ट में पी को बंद करना होगा, तो इन सब के बारे में आपको लिखना है। फिर HTML फ्रेम टैग, तो यहाँ पे फ्रेम के लिए यूज़ होता है फ्रेम सेट, ठीक है, और जितने भी फ्रेम, मतलब एक ही विंडो में हम जो है अलग अलग प्रकार से यहाँ एक से अधिक वेब पेज को शो कर सकते हैं, तो 3 वेब पेज शो करना, तो उसके लिए होती है फ्रेम SRC, क्या होती है, फ्रेम SRC, उसकी लिंक दे देते हैं हम, जैसे हाइपर लिंक में देते थे। डॉक्यूमेंट में इमेज को टैग की मदद से डालिए, तो सिंपल सी बात है, देखिए जो IMG टैग है उसकी मदद से हम यहाँ पे इमेज डाल देंगे। फिर हाइपर लिंक क्या है, हाइपर लिंक को हम एंकर टैग की मदद से डाल देंगे, ठीक है, तो या तो इस प्रकार क्वेश्चन आ जाएगा या तो एंकर टैग को समझाइए ऐसा आ जाएगा, ठीक है। एंकर टैग देखिए फिर से अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, तो एक चीज़ आपको तैयार कर लेना है, 3 क्वेश्चन आपके हल हो रहा है, ठीक है। HTML में टैग
टैग्स और लिस्ट टाइप को उदाहरण से समझाइए। टैग के प्रकार को समझाना, लिस्ट के प्रकार को समझाना। लिस्ट के तीन प्रकार होते हैं, आपको पता है। ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, और डेफिनेशन लिस्ट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। सेकेंड यूनिट में आपको ASP.NET शुरू हो जाता है। तो ASP.NET क्या है? जैसे VB.NET हमने पढ़े थे, उसी प्रकार ASP.NET है। ASP.NET आपकी वेब टेक्नोलॉजी है। वेब टेक्नोलॉजी का मतलब होता है जैसे वेबसाइट वगैरह, वेब फॉर्म, जो चीज़ें होती है वो बनाने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। इसके लिए कोडिंग लैंग्वेज यूज़ होती है, या तो विजुअल बेसिक हो जाती है या फिर C# हो जाती है। ASP की तुलना में ASP.NET की विशेषता बताता है। तो एक्टिव एक्स सर्वर, और देखिए यहाँ पे एक्टिव एक्स सर्वर .NET, तो .NET खुद का एक फ्रेमवर्क जुड़ गया है, और यहाँ पे फ्रेमवर्क नहीं था। तो पहले की टेक्नोलॉजी ASP थी और अभी की टेक्नोलॉजी ASP.NET है। दोनों में आपको इसकी विशेषताएं बताना है, अंतर भी हो जाएगा। ASP.NET में लिस्ट कंट्रोल के सामान्य गुणों के बारे में बताना है, तो ये आपको देखने को मिलेगा ASP.NET में। निम्नलिखित के बारे में बताना है, देखिए ISPOST, यानी कि या फिर इसको हम इस प्रकार बोल सकते हैं, इस पोस्ट बैक, क्या बोल सकते हैं, इस पोस्ट बैक, ये फॉर्म की जो है मेथड है। हिडन फील्ड, ठीक है, ये सब कंट्रोल है। टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, ये सब जो है आपके कंट्रोल है, मतलब जो फॉर्म में हम कंट्रोल यूज़ किए जाते हैं ASP.NET में वो, और ये फॉर्म की क्या है, एक मेथड है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना अच्छे से, और इसको आपको समझाना है। उसके बाद देखिए निम्न को समझाना है, क्लाइंट कंट्रोल को समझाना है, वेब फॉर्म कंट्रोल को समझाना है, ये चीज़ें देखने को मिलेगी। एक ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, देखिए 20 से लेकर 50 के बीच में प्राइम नंबर को प्रिंट करने के लिए C# में एक प्रोग्राम लिखिए। तो या तो विजुअल बेसिक में बोल देगा या C# में, दोनों ही कोडिंग लैंग्वेज यहीं यूज़ होती है। तो ये मैंने यहाँ प्रोग्राम भी बता कर रखा हूँ, इस प्रोग्राम को आप नोट कर लीजिए। देखिए इतना तो कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा, ये जो है बेसिक रहता है, ये नेम स्पेस मतलब आपका जो है किस में रहता है, फाइल का नाम रहता है। उसके बाद क्लास प्रोग्राम रहता है, स्टैटिक वॉइड मेन, ये सारी चीज़ रहती है। आपको प्रोग्राम बनाना है यहाँ से, देखिए बूल से लेकर बूल इस प्राइम ट्रू कंसोल डॉट राइट लाइन, ये आपको कंसोल वाला यानी कि डॉस वाला कंसोल वाला जो प्रोग्राम है वो देखने को मिलता है। एक मिलता है वेब फॉर्म वाला, ठीक है, ये आपका कंसोल वाला है। फॉर लूप लगाए हमने यहाँ पर, देखिए फॉर लूप लगाए, और इसके बाद इफ लगाए। उसके बाद आपका देखिए आपका जो कंप्लीट प्रोग्राम, इसका स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं, या फिर इसकी PDF मैं आपको डाल दूंगा कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर की, तो आपको उससे वहाँ से नोट कर लेना है। ठीक है, .NET में सीरियलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, क्या है यह, .NET प्रोग्रामिंग को कैसे प्रभावित करता है, इसको बताना है। निम्न को समझाना है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्लासेस क्या होती है, ये देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन। डेलीगेट्स क्या होता है, इंटरफेस क्या होते हैं। उसके बाद थर्ड यूनिट में आपको वैलिडेशन कंट्रोल मिलेंगे। वैलिडेशन कंट्रोल लगभग 5 या 6 प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत यूज़र सही डाटा इनपुट कर रहा है कि नहीं ये चेक किया जाता है। तो इनको आपको समझाना है, तो पांचों प्रकार के यहाँ पर तैयार कर लेना है कोडिंग के साथ में। सारी चीज़ें बताया मैंने, क्लाइंट साइड वैलिडेशन और सर्वर साइड वैलिडेशन, ये दो मुख्य प्रकार हैं इनके, इनके बीच में अंतर बताना है। ASP.NET में मास्टर पेज क्या होता है? देखिए एक होता है क्लाइंट पेज, एक क्या होता है क्लाइंट, और एक होता है मास्टर। अब आप देखिए यहाँ पर जो चीज़ें बार बार हर एक क्लाइंट में चाहिए हमको कंटेंट, वो हम कहाँ डिफाइन कर देते हैं, मास्टर पेज में। यूनिक होता है, ठीक है, तो इसको आपको समझाना। एक वेब एप्लीकेशन में मास्टर पेज जोड़ने के लिए उसके उपयोग की प्रक्रिया बताना है, यानी कि आपको स्टेप्स लिखना है एक तरीके से। डेटा अडाप्टर ऑब्जेक्ट का विस्तार से वर्णन करना है, ये डेटाबेस के लिए यहाँ पे डेटा अडाप्टर यूज़ होता है, यानी कि टेबल के डाटा को, जो डेटाबेस टेबल है उसके डाटा को अपने में अडाप्ट करके रखना, डेटा अडाप्टर। और डेटा अडाप्टर से हम कहाँ लाते हैं, ग्रिड व्यू में। हमारे पास एक ग्रिड व्यू होता है, ग्रिड व्यू फॉर्म के अंतर्गत, उसके अंतर्गत हम लेकर आते हैं। मास्टर पेज और क्लाइंट पेज में अंतर बताना या समझाना है। क्लाइंट साइड वैलिडेशन सेपरेट पूछ लिया, रेंज और कंपेयर जो वैलिडेटर है उसके उद्देश्यों को बताना कोड के साथ समझाइए। तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्या होता है वो समझाना, साथ में वैलिडेशन के दो प्रकार पूछ लिया है, रेंज वैलिडेटर और कंपेयर वैलिडेटर, दोनों को आपको समझाना है। कंपेयर वैलिडेटर आपको देखने को मिलता होगा, जैसे आप पासवर्ड टाइप करते हैं कि नहीं करते हैं, पासवर्ड री एंटर करने को बोलता है, दोनों को कंपेयर करने के लिए यहाँ पे होता है। और रेंज मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप देखिए किसी चीज़ से छोटा लिखते हैं अंक और किसी चीज़ से बड़ा लिखते हैं, तो वहाँ पे एरर आ जाती है, तो वो हो जाती है रेंज वैलिडेटर। फिर वेब सर्वर क्या है उसको समझाना, उसके कार्यों को समझाना, .NET प्रोग्रामिंग में उपयोग होने वाले 3 वेब सर्वर बताना है। ठीक है, जैसे आई मतलब एक प्रकार से IIS, ठीक है, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर, तो ये आपको देखने मिलेगा बेसिक। उसके अलावा दो और सर्वर को आपको समझाना, सर्वर साइड वैलिडेशन अलग से पूछ लिया, एड रोटेटर,
देखिए एक ही विंडो में अलग अलग प्रकार की इमेज बदल बदल कर आती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, ऐड रोटेटर कंट्रोल बोलते हैं। डेटा अडाप्टर फिर से पूछ लिया, साथ ही आपको डेटा रीडर भी बताना है, ठीक है। डेटा और उसके बाद डेटा ग्रिड व्यू क्या होता है, डेटा को डिस्प्ले कराता है डेटाबेस से। डेटा बाइंड कंट्रोल क्या होता है ये आपको समझाना है। ASP.NET में वेब पेजेस से डेटाबेस में जो है डेटा डालने और अपडेट करने के लिए कोड लिखिए, ठीक है। ASP.NET वेब पेज से डेटाबेस में, इसका मतलब है आपको इंसर्ट की कोडिंग लिखना है और उसी में अपडेट की कोडिंग लिखना है। तो दोनों ही चीज़ मैंने यहाँ बताया है ASP.NET की वीडियो में। गुणों और विधि के साथ, मतलब गुण मतलब उसके फायदे और विधि मतलब मेथड के साथ कमांड क्लास और अडाप्टर क्लास की व्याख्या बताना है। तो कमांड क्लास डेटा में मतलब डेटाबेस में डेटा को ऐड करने के लिए, डेटा को अपडेट करने के लिए यूज़ होती है, और डेटा अडाप्टर जो डेटा ग्रिड व्यू है उसके उसमें डाटा को मतलब उसके पहले डाटा को अडाप्ट करने की काम करती है। तो दोनों के बारे में आपको बताना है। ADO.NET की विभिन्न विशेषताओं को बताना है, प्रत्येक को विस्तार से समझाना है। ADO.NET से डाटा को एक्सेस करने के लिए सभी स्टेप्स को बताना है। ADO.NET के जो है डेटा अडाप्टर क्लास अभी हमने देखे, तो एक बार तैयार कर लेना, अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आता है। ASP.NET में डेटा को ग्रिड फॉर्मेट में प्रिंट करने के लिए एक स्क्रिप्ट लिखना है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट वेब सर्विस से रिलेटेड, तो वेब सर्विस को विस्तार से समझाना है, अलग अलग प्रकार की वेब सर्विसेज होती है, ठीक है। ASP.NET में सेशन भी होते हैं अलग अलग प्रकार के, व्यू स्टेट सेशन स्टेट, इनको समझाना है। XML होता है तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है, डायनेमिक कोड होते हैं, डायनेमिक जो टैग होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, यानी कि यूज़र डिफाइन होते हैं। XML क्लासेस, XML वैलिडेशन, वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज यानी WSDL वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। XML डेटा डॉक्यूमेंट को समझाना है। ADO.NET आर्किटेक्चर को चित्र या डायग्राम के साथ समझाना है। फंडामेंटल ऑफ XML क्लासेस, इनको समझाना है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और है जैसे कि आप देख सकते हैं, टेक्स्ट राइटर को समझाना है, टेक्स्ट रीडर को समझाना है, एप्लीकेशन स्टेट को समझाना है, जैसे व्यू स्टेट सेशन स्टेट था उसी प्रकार एप्लीकेशन स्टेट, और फिर से WSDL आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है आपकी किसकी, ASP.NET की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे इनसे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इनको आप तैयार कर लीजिए, आपके अच्छे मार्क्स बिल्कुल आएंगे, ठीक है। उसके पहले आपको कंप्लीट वीडियो चैनल में जाकर ये देखिए पेपर कैसे सॉल्व करें देख लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही आपको यहाँ पर ASP.NET का वीडियो देख लेना है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगी किसकी PDF, ASP.NET की। पेपर के एक दिन पहले मैं कोशिश करूँगा ASP.NET की लाइव क्लास लाने की, तो लाइव क्लास ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है, एक दिन पहले, ठीक है, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।